रेड हुए सर लालू जी के घर पे, कैसे देखते हैं वो लोग? कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बदला निकाला जा रहा है। अब उसके बारे में हम लोग को क्या कहना है, ये तो जो कर रहा है वही ना बताएगा, उसके बारे में हम लोग को क्या पता है। तो आपने सुना नीतीश जी, जब आज जेडीयू कार्यालय में तमाम नेताओं की बैठक थी, उसके बाद जब निकले और पूछा गया कि लालू यादव राबड़ी देवी के लगभग 17 ठिकानों पर छापेमारी सीबीआई ने की है, आरजेडी का ये आरोप है कि वो इसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड बता रहे हैं, यानी राजनीति से प्रेरित राजनीति बीजेपी ने करी है और जानबूझकर सीबीआई से छापा मरवाया है। इस पर नीतीश जी ने साफ कहा कि ये तो बीजेपी वाले लोग ही बताएंगे। अब आप सोचिए, अगर इस वक्त जेडीयू और आरजेडी की नजदीकी नहीं बढ़ रही होती तो नीतीश जी कैसे लालू यादव पर हमलावर होते हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव पर हमलावर होते हैं, लेकिन इस वक्त जो है सवाल टाल गए और सीधे तौर पे कहा कि इस सवाल का जवाब तो बीजेपी को देना चाहिए। वहीं एक और बयान सुनिए, एक सवाल का जवाब दिया नीतीश ने, पहले आप उसको सुनिए फिर बात करते हैं। राज्यसभा के उम्मीदवार की कब घोषणा होगी सर? राज्यसभा उम्मीदवार की उसकी चिंता मत करिए, समय पर घोषणा होगी। राज्यसभा का चुनाव होना है, लगातार ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार ने बकायदा जिस दिन सीबीआई का छापा पड़ा था राबड़ी आवास पर, उस दिन नीतीश कुमार ने बकायदा सभी विधायकों की बैठक बुलाई थी और उस वक्त ये फैसला ले लिया गया है कि आरसीपी सिंह का पत्ता जो है इस बार कट जाएगा। हालांकि जब इस पर सवाल पूछा गया तब नीतीश जी ने साफ कह दिया कि समय आने पर जो है सब कुछ बता दिया जाएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जबकि कई जगहों से ये खबरें तैर कर आ रही हैं कि आरसीपी सिंह की नज़दीकी जो है वो बीजेपी से हो गई है, इस वजह से नीतीश जी आरसीपी सिंह पर काफ़ी खफा हैं और इस बार उनका पत्ता कटने वाला है। और उसके बाद भी ऐसी खबर है कि आरसीपी सिंह के संपर्क में जेडीयू के कई विधायक हैं और हो सकता है कि जेडीयू पार्टी को तोड़ दिया जाए, और इसलिए नीतीश जी ने तमाम विधायकों को कहा है कि अगले कुछ घंटे तक जो है घंटों तक आप पटना के आसपास रहिए। और ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि जेडीयू जो है वो आरजेडी के साथ आ जाए और सरकार बना ले, लेकिन नीतीश जी ने जिस तरीके से जवाब दिया वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी अपने बयान में नहीं बताया। लेकिन साफ तौर पे अगर आप स्लाइटली देखें तो आपको पता चल जाएगा कि लालू यादव पर जो हमलावर रहते हैं जेडीयू के, वो तमाम प्रवक्ता जो तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव को नोमी फेल, अनपढ़ और जाहिल क्या क्या नहीं कहते हैं, लेकिन जब तमाम तरह के सबूत मिले हैं, सीबीआई का ऐसा दावा है, उसके बाद 17 ठिकानों के आवास पर छापा पड़ने के बाद भी जेडीयू की तरफ से हमला न किया जाना, इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं जेडीयू और आरजेडी के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। और नीतीश जी ने जिस तरीके से बयान दिया उनके बारे में, इसलिए कहा जाता है कि बड़े से बड़े राजनीतिक सुरमाओं को भी अंदाजा लगाने में मुश्किल हो जाता है कि आखिर नीतीश जी के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। जाते जाते एक बार फिर से सुन लीजिए कि नीतीश जी ने कैसे जो है इन सवालों का जवाब दिया है। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने फिर समय दे दिया था और इसी महीने कुछ दिन पहले तो एक दिन और हम आकर के मिल ही लिए हैं। अब बीच में मुश्किल हो रहा था लेकिन अब इधर हमने तय कर दिया है कि हम आते रहेंगे यदा कदा, महीने का एक दिन या कभी कभी दो दिन जब जरूरत होगा आकर के यहाँ पर सबके विचार से कोई भी बोलना चाहता है या किसी को कोई समस्या है तो उनकी समस्या को भी सुनेंगे। तो इसलिए हम आज आ गए, अच्छा लगा। काफी आप देख ही रहे हैं 11:30 बजे से लेकर के अब तक सब लोग होते हैं और कुछ लोग तो बाद में आ गए थे, उनको भी बुला करके हमने यहाँ मिल लिए। पेट्रोल डीजल के दाम में सरकार ने कम किया, सरकार के पास ये खुशी की बात है, गवर्नमेंट ने ये निर्णय ले लिया है और उसके दाम में कमी की है, ये खुशी की बात है, अच्छी बात है। बिहार सरकार भी कम करेगी सर? इसके बारे में तो हम लोग फिर आपस में बातचीत करेंगे और पिछली बार तो किया ही था, उसके बारे में फिर आपस में बात करेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है, आप तो पूछे ही थे एक बार, तो अब वहाँ से तो किया ही गया है, इसलिए अब उसके बाद जो कुछ भी होगा हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। सीबीआई रेड हुए सर लालू जी के घर पे, कैसे देखते हैं वो लोग? कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बदला निकाला जा रहा है। अब उसके बारे में हम लोग को क्या कहना है, ये तो जो कर रहा है वही ना बताएगा, उसके बारे में हम लोग को क्या पता है, क्या जानकारी? राज्यसभा के उम्मीदवार की कब घोषणा होगी सर? राज्यसभा उम्मीदवार उसकी चिंता मत करिए, समय पर घोषणा होगी। ठीक है।